पेयजल की मौलिक आवश्यकता के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं और आम जनता को उनका लाभ पहुंचाएं, इस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी में पेयजल की स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 के वार्डवासी पेयजल को लेकर करीब एक साल से बहुत परेशान है। दरअसल यह पूरा मामला गुंडर डोंगरगांव के वार्ड क्रमांक 8 का है, जहां पर कुछ वर्ष पूर्व लाखों की लागत से एक बिना सीढ़ी की पानी की टंकी और बाल उद्यान का निर्माण किया गया, लेकिन बिना सीढ़ी वाली इस पानी की टंकी की साफ सफाई और रखरखाव मत से परे है। लाखों की लागत से बने इस उद्यान की वर्तमान स्थिति बद से बदतर है। पानी का उपयोग हो ही नहीं पा रहा है, साल भर हो गया परेशानी। हम लोग को बहुत ज्यादा पानी का कष्ट है। यहाँ कई बार कंप्लेंट किए लेकिन कंप्लेंट का कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है हमारा हल्का। ये जो वार्ड नंबर 8 के आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है गार्डन की और पानी टंकी की, उसको मैं दिखवा के जल्द से जल्द उसको व्यवस्थित करके पेयजल प्रारंभ करवा दूंगा।